रोटी सब्जी छोड़ रोज़ सब यही नाश्ता खाने की डिमांड करेंगे, तो आज हम बनाने वाले हैं कम तेल मसालों में, कम मेहनत में झटपट इतना स्वादिष्ट मज़ेदार ऐसा हेल्दी नया नाश्ता जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम ग्लूटेन फ्री बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम कैबेज, पत्ता गोभी को धो लिया है और अब हम पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेते हैं। आप मोटे मोटे टुकड़ों में काटते हुए वेजिटेबल चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या फिर चाकू से बारीक बारीक हाथों से ही काट सकते हैं। तो पत्ता गोभी को धोने के बाद ना काटे, पहले ही धो लें। कसने के बाद हम इस तरीके से हल्का सा चाकू चला लेते हैं ताकि लच्छे थोड़े से छोटे टुकड़ों में हो जाए। तो मैं आपको कप का भी नाप बता देती हूँ, मैंने दबाते भी पूरे ऊपर तक कप में कैबेज को भरा है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए ग्रेटेड बंद गोभी, साथ ही डाल दीजिए एक मीडियम साइज का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज और 3 से 4 टेबलस्पून कसा हुआ गाजर, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। बाकी की चीज डालने से पहले हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम चम्मच से या हाथों से मिला लेते हैं। तो पहले नमक डालिएगा ना तो सब्जियों से उनका जूस भी अलग होगा, फिर हमें सही अंदाजा होगा कि हमें कितनी पानी की आवश्यकता है। तो लीजिए मिला लिया है और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आप गरम मसाला को स्किप कर सकते हैं। और अब 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डाल दें। तो जीरा को मैंने कूट के लिया है, साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी ज़्यादा ना डालें। और अब 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए, 3 से 4 कसा हुआ लहसुन और 1 इंच कसा हुआ अदरक। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो आज मैं लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है और अब हम डालेंगे 1/2 कप चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा नहीं डालना चाहते तो सूजी को पीस के भी डाल सकते हैं। साथ में डाल दीजिए 1/2 कप बेसन, जितना हम चावल का आटा लेंगे उतना ही बराबर मात्रा में बेसन डालें। वापस एक बार मिला लीजिए। तो रोज़ रोज़ कुछ अलग सुबह के नाश्ते में या बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में ऐसा क्या दें जो हेल्दी भी हो और झटपट कम तेल मसालों में बन जाए। तो आप इस तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए, पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए हमने मिला लिया है और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो पहले 1/2 कप डालिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है, मिक्स ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है। तो आप चाहें तो हाथों से भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैश करते हुए मिलाएं। तो देखिए हमने मिला लिया है और चिपचिपा सा हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। और अब हम थोड़ा और पानी डालते हैं और थोड़ा सा मिक्स को पतला करते हैं। तो आप इस तरीके से नाश्ते का बैटर बना के पहले से रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बैटर को गाढ़ा रखिएगा और नमक आखिर में डालिएगा। तो लीजिए धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरी 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का लटपट सा यानी थोड़ा सा चिपचिपा सा बैटर होगा, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक तवा चढ़ाया है, हम 1 छोटी चम्मच ऑयल लगा देते हैं। तो नाश्ते का स्वाद और बढ़ जाए इसलिए मैं 1 चुटकी तेल स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तिल को बिल्कुल भी डार्क कलर का नहीं होने दीजिए, यानी चटकने नहीं दीजिए। और अब हम बड़े वाले चम्मच यानी लेडल पे इस प्रकार मिक्स लेते हैं और मीडियम गर्म तवे पे धीमी आंच पे नाश्ते को फैलाएंगे। इस प्रकार तवा बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए और जितना पतला हो सके उतना पतला हम धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए हम फैला देंगे। तो लीजिए हमने फैला लिया है और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो तुरंत नाश्ता पकना शुरू हो जाता है, इसलिए आपकी इच्छा हो तो जैसे ही फैलाएं ना तुरंत आप किनारों से आकार दे सकते हैं। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं।
दो मिनट हो चुका है और देखिए ऊपर से कितने अच्छे से पक गया है और देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। तो कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना जिसे देखते ही खाने का मन करता है, तो बस ये वैसी ही रेसिपी है, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम आमले ऑयल दूसरी तरफ लगा देते हैं ताकि नाश्ता टेस्टी हेल्दी के साथ थोड़ा सा क्रिस्पी भी बने। और अब हम उलट लेते हैं तो बड़े ही आसानी से पलटी हो गया है और कितनी अच्छे से हमारा रोस्ट हो रहा है। तो बीच बीच में इस प्रकार हल्का हल्का दाब भी लें ताकि अच्छे से कोने कोने अंदर तक पक जाए और जब अंदर तक पकेंगे तभी टेस्टी लगेंगे। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से दो मिनट और पका लें। तो लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी पका लिया है और अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से सभी नाश्ते बना के तैयार कर लेंगे। और अब हम गर्मा गर्म पत्ता गोभी के क्रिस्पी मज़ेदार हेल्दी टेस्टी चिल्ली को सर्व कर लेते हैं। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता है, तो इस तरीके से आप ये नाश्ता बनाएं। ना अलग से आपको रोटी बनाने की ज़रूरत और ना ही भाजी बनाने की, इस नाश्ते से पेट भी भरेगा और साथ में आप अचार, चटनी, दही या गर्मा गर्म चाय के साथ परोस सकते हैं। तो और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने आज दही के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों बिना सोचे एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, तारीफ ही तारीफ पाइएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। अगर आपको कुछ चटपटा या पकौड़ी कचौड़ी खाने का मन हो रहा है तो इस नाश्ते को खाने के बाद स्नैक खाने का भी मन नहीं करेगा और गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। कैसा बना बताइएगा। और अब चटनी बनाने के लिए डाल दीजिए चटनी जार में एक टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली। आप मूंगफली के बदले नारियल का पाउडर या फुटाना यानी रोस्टेड चना भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए दो हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन, तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा टेस्ट बढ़िया आएगा, 1 इंच अदरक, 1/4 टीस्पून जीरा। और अब डाल दीजिए 5 से 6 करी पत्ता। तो करी पत्ता के बहुत फ़ायदे हैं तो किसी ना किसी रूप में हमें खाना चाहिए और करी पत्ता थोड़ा डाल देने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है चटनी में। और अब 1/4 कप धनिया पत्ती डाल दें। तो धनिया पत्ती का डंठल का भी मैंने इस्तेमाल किया है। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें और 1 चम्मच दही या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब 2-3 चम्मच पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से चटकदार चटनी तैयार है। तो टोटल मैंने 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके की पतली चटनी आप भी बनाइएगा। तो इस चटनी को सिर्फ इस नाश्ते के साथ ही नहीं, आप किसी भी प्रकार के स्नैक, पकोड़ा, वड़ा, राइस, पराठा, खिचड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।